आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन, बीसीसीआई में किसको मिली क्या जिम्मेदारी, एजीएम में क्या फैसले किए गए। बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम ताज होटल मुंबई में 18 अक्टूबर को हुई। आपको बता दें कि इस दौरान बीसीसीआई की एजीएम में कई बड़े फैसले किए गए। बता दें कि बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, हालांकि इस चुनाव में निर्विरोध तमाम पदाधिकारी चुने गए। दरअसल बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारियों को लेकर पहले ही स्थिति साफ हो चुकी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि बीसीसीआई के अन्य पदाधिकारियों के नाम पर भी मोहर लगी और साथ ही आईपीएल को भी उसका नया चेयरमैन मिल गया। बीसीसीआई की इस एनुअल जनरल मीटिंग में सबसे पहले आईसीसी के प्रेसिडेंट को लेकर भी चर्चा की गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर और साथ ही साथ भारतीय पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया कि आईसीसी के प्रेसिडेंट को लेकर एजीएम में किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पर बीसीसीआई यानी कि बोर्ड बाद में फैसला लेगा और इस पर अंत में फैसला लिया जाएगा। आईसीसी के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। बहरहाल लौटते हैं एजीएम यानी कि बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग को लेकर। ताज होटल में हुई इस मीटिंग के दौरान 1983 विनिंग टीम के सदस्य रोजर बिनी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा बीसीसीआई के अन्य पदाधिकारियों पर भी मोहर लगी। बता दें कि बीसीसीआई के सचिव रहे जय शाह एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं। यानी कि जय शाह बीसीसीआई के सचिव के तौर पर दोबारा चुन लिए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता और साथ ही आईपीएल के पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला को बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने रहेंगे और नई जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं बीसीसीआई में कुछ बदलाव भी किए गए और पदाधिकारियों में कुछ बदलाव भी देखने को मिले। कोषाध्यक्ष के रूप में आशीष शेलार को चुना गया। आशीष शेलार की बात करें तो यह महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक हैं और इन्हें कोषाध्यक्ष चुना गया है। अरुण धूमल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा देवजीत सेकैया संयुक्त सचिव बनकर इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। देवजीत सेकैया की बात करें तो यह असम क्रिकेट एसोसिएशन में पदाधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में नॉमिनेशन किया और अब बीसीसीआई में यह जॉइंट सेक्रेटरी की मुख्य भूमिका निभाते हुए और इस जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आएंगे। दरअसल बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल आईपीएल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आईपीएल के नए अध्यक्ष के तौर पर अरुण धूमल जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर पहले ही कयास लगाई जा रही थी कि अरुण धूमल को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है और अब बीसीसीआई की एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में इस पर फैसला किया गया और अरुण धूमल को आईपीएल का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी कि प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी होंगे, सचिव जय शाह होंगे, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला होंगे, कोषाध्यक्ष आशीष शेलार होंगे, संयुक्त सचिव देवजीत सेकैया होंगे और साथ ही आईपीएल के नए अध्यक्ष होंगे अरुण धूमल। बता दें कि बीसीसीआई की इस एनुअल जनरल मीटिंग में कई फैसलों पर चर्चा की गई, जिसमें आईपीएल की नामांकन तिथि, उसकी ऑक्शन और साथ ही महिला आईपीएल को लेकर भी चर्चाएं की गई। बहरहाल इस पर तमाम तस्वीरें जब साफ होंगी आपको जरूर अवगत कराएंगे। तब तक आपकी क्या कुछ राय है बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।